मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। आ मेरा शहजादा बहुतनोली, कैसे याद आ गई मेरी? कहाँ मैं तेरे लाहौर में, हाजी तालिब को जानता है? मुबारक हो, फिल्म डालोगे भाई? एडवांस का चेक लेके आ रही हूँ। अच्छा चल, तू फिक्र ना कर, शुजा ने ना 5 लाख रुपया भेजा। 5 लाख रुपया दिल खोल के खर्च करें, टेंशन फ्री। हाँ सोचना क्या है, बस यही सोच रही हूँ कि कल को रुक सकते हो तो अपने घर चले जाओ। तुम मेरे पर्स में पैसे लेने जरूर जाओ, इसीलिए ना मैं अपनी बुक में पहले ही पैसे रख के ले आई थी। ये मेरा भाई। नहीं चाहिए तेरे पैसे, बाद में एहसान जताएगी, पता नहीं क्या क्या सुनाएगी। नहीं चाहिए तेरे पैसे, ले जा। अच्छा ले लेना, मैंने कहा नहीं चाहिए, जा। नहीं एहसान जताती, ले लेना। एहसान तो नहीं जताओगी ना? नहीं। पक्का? पक्का। तो ऐसी एक्टिंग कर रहा था यार, मतलब एक्टिंग कैसी लगी तुम्हें मेरी? नहीं मारना मत, मारो पापा। तुझे मैं मार नहीं रहूंगी आज। पापा 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 मारना मत यार। क्या बात है शुजा, परेशान लग रहे हो? इतना अच्छा शूट हुआ है, देखा लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया, और तुम होके उदास बैठे हो। मुझे मेरी बहन की बहुत याद आ रही है। अरे हाँ, आज तो उसकी शादी थी ना। हो गई शादी। गुड, कोई मसला तो नहीं हुआ? अल्लाह का शुक्र है कि सब खैर वाफियत से हो गया। लेकिन शैला, मुझे सारी जिंदगी इस बात का पछतावा रहेगा कि अपनी बहन की शादी में नहीं जा सका यार। उसे अपने हाथों से रुखसत नहीं कर सका। अरे शुजा यार, तुम तो रोने लग गए। तुम्हें पता, मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती, तो जब जब उसकी किताब में से पैसे चोरी करता तो जूती उठा के मेरे पीछे भागती रहती थी मुझे मारने के लिए। हालांकि वो किताबों में पैसे मेरे लिए रखती थी। हाँ बहन भाइयों का प्यार ऐसा ही होता है। माँ जी और अब्बा जी भी हम बहन भाइयों के प्यार में अपना आप देखते हैं। खैर अल्लाह मेरी बहन के नसीब अच्छे करे। गुलाम तालब मुझे बता, अब हम करेंगे क्या? देखना एन मौके पे नया फरमान जारी कर दिया इन लोगों ने। वैसे बहुत तेज है आयशा की सास, मीठी छुरी। हाँ बात तो मीठी लगाती है वो। पहले उसने खैर से बड़े होटल में डिमांड कर दी कि वहाँ रोटी खिलाना, फिर जोड़ों की आपे मना कर दिया, आपे कह दिया, अब ये नया फरमान जारी कर दिया। फातिमा अब ऐसे वक्त में ऐसी बातें तो ना करो ना। क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? हमने किसी की फरमाइश पे या हुक्म पे ये काम नहीं किया है, अपनी खुशी से, अपनी बेटी के लिए, अपनी मर्जी से किया है। नहीं भला इस बात का क्या मतलब हुआ कि हमारे फंक्शन में इज्जतदार लोग आ रहे हैं, इसलिए आप अपने खानदान वालों को ना लाए? अब हमारा खानदान इतना भी गिरा पड़ा नहीं है कि उनकी इज्जत घट जाएगी। और ये तो सीधी सीधी जुत्ती मारी है उन्होंने, वो भी हमारे मुंह पे। तो फैल साहब,
इस वक्त ऐसी बातें करने का कोई फायदा है? आए हाय गुलाम तालिब, तुझे फायदे नुकसान की पड़ी है। मेरा तो दिल डूब रहा है ये सोच सोच के भाई, किसको लेके जाएं और किसको ना लेके जाएं, किस किस को हमने दावत दे दी हुई, उनको मना कैसे करें? कोई भी बहाना करके कह दो, वैसे भी उन्होंने कोई लंबा चौड़ा फंक्शन नहीं किया, बस घर के चंद लोग होंगे। सबको पता है कि आयशा का ससुराल बहुत अमीर है, कोई इस बहाने पर यकीन नहीं करेगा। हाय हाय बरादरी में क्या मुंह दिखाऊंगी, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या कहेंगे लोग हैं कि बेटी के ससुराल वालों ने वलीमे पे नहीं बुलाया इनको, कितनी बेइज्जती वाली गल है। तौबा तौबा। ताईजान अभी तो ये शुक्र है कि वलीमा कल है आज नहीं, आज बैठ के सारी लिस्ट बना लेते हैं, बस सबको फोन कर देते हैं। सबसे पहले तो ये मल्लेदारों को काटो ना, आज जिनके साथ सारी जिंदगी गुजारी है सबसे पहले उनको काटो, काटो जी काटो। पर मामू जान, आप तो महलदारों से बड़ा प्यार करती है। करता हूँ, अब भी करता हूँ, इसलिए तो उन लोगों को वहाँ नहीं लेके जाना चाहता जहाँ उनकी इज्जत ना हो। ले, फिर तो किसी को भी ना लेके जाए, अल्लाह जाने वहाँ जाके क्या हो। बस ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, बस अपने बहन भाई की लिस्ट बनाओ, बाकी सबको काट, कोई ना जाए। बाकी सब कौन? मेरा ध्याल आएगा, मैंने सबको इन्विटेशन दे दिया, मेरी इज्जत का सवाल। लो जी, फिर तो फेल हो गए हम इस इम्तिहान, जहाँ पे हर सवाल ही इज्जत का सवाल है। देखो भाई, मैंने भी 10 जमातें पढ़ी हैं, सबसे पहले उस सवाल का जवाब दिया जाता है जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, इसलिए इस वक्त सबसे ज्यादा अहम ये मल्लेदार नहीं है, बेटी का ससुराल है, इसलिए वो करो जो बेटी के ससुराल वाले कहते हैं, बस। मेरा ध्याल जरूर जाएगा। हाँ, फिर मेरे खानदान को भी बुलाओ ना। ओए पड़ोलिया, चुप करके बैठ तू, पहले खानदान में जा पड़े में, मेरा खानदान जाएगा। और क्या हो गया, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? कोई बात नहीं, लिस्ट बना लेते, जिस जिसने जाना होगा उसका नाम लिख लेंगे, जिसने नहीं जाना उसका नाम नहीं लिखेंगे, बाकी जो अब्बा जी का हुक्म होगा करना तो हमने वही है। क्यों भाजी? और यार तू डायरी पकड़ जा बेटा, वो साथ वो बाल पॉइंट भी ले गया, नाम लिखना शुरू करो, फिर कोई फैसला होगा ना। बहुत परेशानी पै गई, बहुत भी। ओ अम्मा, इतनी परेशानी नहीं है, क्या होगा, अभी हल कर लेते हैं। चल, तुम सबसे बड़े बेटे और मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू, लेकिन कोई मशवरा नहीं किया, किसी मौके पे आगे नहीं किया हमें। वैसे कह तो तुम ठीक ही नहीं हो। मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी। मेरा ध्याल आएगा, मैंने सबको इनविटेशन दे दिया, मेरी इज्जत का सवाल। लो जी, फिर तो फेल हो गए हम इस इम्तिहान, जहाँ पे हर सवाल ही इज्जत का सवाल है। अरे खाला, ये आप क्यों काट रही हैं? छोड़ दे, मैं काट दूंगी। खाला, तूने कहा ना मैं काट देती हूँ, बना भी दूंगी खाना मुझे। आप रहने दो, भाभी अम्मा खुद बना लेंगी, जाके आप संभालें तो फैल भाई को और अपने बच्चे को। अच्छा, तुम फैल के लिए नाश्ता बना लो। ओ बस बस कर दो, जान दे गुस्सा। क्यों क्यों बस कर दूं, क्यों जाने दूं? यही तो है मेरे बस पे, सब कुछ तो छीन लिया तुमने, अब ये भी छीन लो। ना बंदा पूछे,
क्या छीन लिया हमने आपका है? मेरी इज्जत, मेरी खुशी और मेरा मान, कुछ नहीं है मेरे पास। और जाने तो नकीन, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है तो फिर तुम ना बस जानबूझ के ये सब कुछ देखना नहीं चाहते हो, वरना अंधे नहीं हो कि तुम्हें सब कुछ नजर ना आए? नहीं खैर, मैं अन्ना तो खैर मैं नहीं हूँ। मुझे साफ नजर आ रहा है कि आपने टी पिंक कलर का जोड़ा पहना हुआ। अच्छा, अगर साफ दिखाई दे रहा है तो ये लोग जो हमारे साथ कर रहे हैं वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि इस पूरी शादी पे हमारे साथ क्या सलूक हुआ? क्या सलूक किया? तुम्हें रोटी नहीं मिली? तुम भी ना तो फैल, तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें कोलू की बैल की तरह इस्तेमाल करते रहते हैं और तुम्हें पता ही नहीं चलता। ना फर्ज है मेरा, फर्ज इस पूरी दुनिया के फर्ज ना सिर्फ तुम्हारे लिए रहेंगे, बाकियों का तो कोई फर्ज ही नहीं है। पहली दफा इस शादी में तुमने हाथ क्या खींच लिया, तुम्हें और मुझे हम दोनों को जलील कर दिया। शादी के हर एक मौके पे हमें पीछे रखा। तुम सबसे बड़े बेटे और मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूं, लेकिन कोई मशवरा नहीं किया, किसी मौके पे आगे नहीं किया हमें, किसी मुकाम पे इज्जत नहीं थी जो देनी चाहिए थी। नगीना, वैसे कह तो तुम ठीक ही रही हो, इज्जत वाकई नहीं थी इस शादी में मुझे। सबसे पहले वनीमे की लिस्ट में से मैंने ददयाल का नाम काट दिया, मैंने अपनी इज्जत का वास्ता दिया, लेकिन नहीं, खाला को ना मुझसे खुदा वास्ते का बैर है। उस पे रोजा के रिश्तेदारों को बुला ले, लेकिन इस घर की बड़ी बहू को जरा सी भी इज्जत मिल जाए ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं बात करता हूँ माँ जी से। कोई जरूरत नहीं है, मना कर चुकी हूँ। और तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी वलीमे पे ना जाऊँ, ताकि सबको पता चले इस घर की बैठी बहू के साथ क्या सलूक हो रहा है। अच्छा चलो, तुम गुस्सा ना करो, मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम भी कोई मेरा ख्याल नहीं रखते। तुम्हारे नाम पे मैं घर बनवा रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या इज्जत दे सकता है कोई किसी को? अच्छा चलो उठो, मैं तुम्हें ना घर दिखा के लाता हूँ। बड़ा ही अरसा हो गया, तुम गई नहीं। अब तो घर हमारा माशाल्लाह मुकम्मल होने वाला है, कसम अल्लाह पाक की, बड़ा ही सोना कार बना है। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरी बुड्ढी ज्यादा सोनी है कि मेरा कार। मैं तो कहता हूँ आज दोनों को मैच करके ना एक साथ खड़ा करके फैसला करते हैं कि कौन ज्यादा सोना है। चलो मैं क्या हुआ? अरे ठहरो, पानी लेकर आती। इसमें डालो उंगली, दिखाओ। एक दो त्रै, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आयशा का तरफ। आयशा की तरफ क्यों? वो कितना आयश कर रहा होगा ना बाबी, आयशा का उंगली पे तो कोई कत भी नहीं लगेगा, उसके सब काम तो नुकर करते होगा। हाँ ऐसा है। हाय कितना अमीर ससुराल में गया है वो, मेरे को इतना अमीर ससुराल क्यों ना मिला? मैं तो उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ ना? शायद इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं हो। आयशा की तालीम की इज्जत है ये। डॉक्टर तो नगीना बाबी भी नहीं है, मगर तुफैल भाई उससे कितना मोहब्बत करता है, ता ढेर सारा पैसा भी देता है।
नकीना का नसीब बहुत तेज है, बिल्कुल उसकी जुबान की तरह। आयशा का ससुराल कितना अमीर है, इतना बड़ा घर है, इतनी ढेर सारी जेवर डाले उसकी सास ने उसको। वो सत लड़ा देखा था ना, मैं कप्तान भाई का शादी पे ना उसे लेके पहनूंगा। अपनी अपनी किस्मत होती है, अपनी अपनी औकात, मंगे की चीजों से ये दोनों नहीं बदलता। मेरा बदल जाएगा जब मैं साड़ी पहनूंगा, आयशा का सत लड़ा पहनूंगा, पार्लर से तैयार होऊंगा। हाय, मेरे को तो कोई पहचानेगा ही नहीं। तुम भी ना शायस्ता, लो ठीक हो गई तुम्हारी उंगली, ध्यान से काम किया करो। जब मैं साड़ी पहनूंगा, आयशा का सत लड़ा पहनूंगा, पार्लर से तैयार होऊंगा। हाय, वालेकुम अस्सलाम। ये बस मैं उठाने ही लगी थी। ये क्या पहना है तुमने, इतने सादे कपड़े? ये जोड़ा जहेज का है मॉम। हाँ ठीक है, इट्स ओके। कभी तो तुम्हारी शादी हुई है, जस्ट गॉट मैरिड, भारी कपड़े पहन लो बरी के जी। और मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं शाम को, यू हैव टू ड्रेस अप प्रॉपरली इफ्रा। यस मॉम। कौन सा पहने ड्रेस? डिजाइनर ड्रेस मॉम। सारी तो डिजाइनर के बनाए हुए हैं। बट वो जो हमने इसके लिए स्पेशल बनवाया था, द एक्सपेंसिव वन। ओके, दैट टर्कोइज वन, फिरोजी। तुम वो फिरोजी पहन लो और साथ फिरोजे का सेट मुझसे लेके पहन लेना। जी। अच्छी तरह से तैयार हो ना प्लीज, बेइज्जती ना करा देना फ्रेंड्स के सामने, मेरी बहुत इज्जत है। जी। इफ्रा। यस मॉम। वो जरा वहां से ज्वेलरी लेके आना, लेट मी चेक इट। ओके। This one. Shall I open? Yes. Okay. हाँ, ये तो हो गया डायमंड का सेट, इयररिंग्स एंड ठीक है। इधर रखो, put it here. Okay. अगला खोलो। रूबी वन, yes. हैं? इसकी अंगूठी किधर है? अंगूठी किधर है इसकी? मॉम ये इयररिंग। ओके, नजर नहीं आई ना। ओके इट्स ओके, रखो इसको। और ये मेरे पास है, ये भी मेरे पास रखा हुआ, ये भी। कड़े, कड़े किधर हैं? वेयर आर द कड़ास? अब वो मैंने ड्रॉ में रखे हैं। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, ये लिस्ट के साथ सब कुछ हो गया। शाम को इसका वो मुखलावा है, तो व्हाट शुड शी वेयर, क्या पहनना चाहिए इसको? जो आप कहें। हाँ तो लेट अस डिसाइड, हमें डिसाइड करने दो ना। तो व्हाट अबाउट दैट आइदर दैट ग्रीन और टी पिंक, दे आर वेरी वेरी हैवी। द टी पिंक,
हाउ एक्सपेंसिव दैट वॉज ना, वेरी एक्सपेंसिव. मेरे तो सारे कपड़े बड़े एक्सपेंसिव बने हुए हैं. हाँ तो पहन लो वो दैट पिशवास, मुगल टाइप पिशवास एंड तंग पजामा. और उसके साथ ना यू शुड टेक वो कुंदन का सेट फ्रॉम मी एंड वो सतलड़ा. सतलड़ा क्या होता है मॉम? डॉक्टर कैसे बन गई हो? यू डोंट नो व्हाट इज सतलड़ा? द सेवन स्ट्रिंग नेकलेस इज कॉल्ड सतलड़ा. सेवन लड़ा. ओके जी. और जैसे ही तुम्हारा फंक्शन खत्म होता है ना, आई वॉन्ट एवरीथिंग बैक. ये लिस्ट है मेरे पास, आई हैव टू चेक एवरीथिंग एंड पुट इट इन माई कबर्ड. ओके चलो बेटा, लेट्स टेक आवर क्लोथ्स आउट. अपने कपड़े भी तो निकाल लेने, तैयारी कर ली. या ऑफ कोर्स, जल्दी तैयार हो जाओ. जी अस्सलाम वालेकुम. मुबारक हो यार, बहुत बहुत. प्लीज नाराज ना हो आशा, तुम तो जानती हो ना मेरी मजबूरियां हैं. मेरी दुआएं हैं ना तुम्हारे साथ और तुम्हारी दुआएं मेरे साथ. हाँ हाँ हाँ, वो शूटिंग तो बहुत अच्छी जा रही है. हीरो बन गया तेरा भाई. हम जैसे ही काम खत्म होगा तो लाओ वापस आ जाऊंगा. चल चल, थैंक यू. अपना बहुत सारा ख्याल रखना. हाँ अल्लाह हाफिज़. माशाल्लाह से आयशा बहुत खुश है. तुमने मेरी बात नहीं करवाई ना? ओह वेरी सॉरी यार, मैं अभी बात कर रहा था तुम्हारी. एक मिनट. नहीं अब मुझे नहीं करनी, जल्दी जल्दी से चाय पियो. सारा स्टाफ हमारे नीचे वेट कर रहा है. हरी अप. जी बहूजी, शूटिंग से खबर आई है क्या? जी बहूजी, मगर अच्छी नहीं है. खबर अच्छी है, हम सोचते गलत हैं. हीरो हीरोइन के अफेयर की कहानी तो हर एक की जबान पर होती है. कुछ हो ना हो लोग कहानी बना देते हैं, उसमें सच्चाई नहीं होती. आपके जेस के कपड़े भी बड़े अच्छे हैं, बल्कि वो जो आपने लेन देन वाले कपड़े दिए थे वो तो बहुत ही अच्छे डिजाइन हुए हैं. वो तो फिरोजा बाबी ने बनाया. मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहां. मायरे दिन का घर को बना के उड़ जाए पंछी कहां. परसों हम सियालकोट जा रहे हैं. सियालकोट भी रिश्तेदार हैं आप लोगों के? हाँ, हमारा तो आधे से ज्यादा खानदान उधर होता है. अब यहाँ तो हमारे बड़े हाई क्लास मिलने वाले हैं ना, वरना तो सियालकोट वाले कह रहे थे कि वलीमा तो उधर ही करो. अब एक स्मॉल फंक्शन मुझे सियालकोट भी करना पड़ेगा, छोटा सा फंक्शन. सियालकोट ही हैं आप लोग, अल्लाह मियां आपके घर में हजारों खुशियां लेकर आए. आमीन. आयशा उस फंक्शन में भी दुल्हन बनेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगी भाई. मेरा तो दिल चाहता है कि मेरी बहू हर वक्त दुल्हन बनी रहे, सजी रहे. क्यों आयशा जी? और मामा कहती हैं कि नई नवेली दुल्हन को हर वक्त सच समझ के रहना चाहिए और भारी जेवर भी पहनना चाहिए. ये ठीक तो कहती हैं, यही तो दिन होते हैं पहनने समझने बढ़ने के. बिल्कुल, मैंने तो बड़े शौक के साथ सारी बरी बनाई है. माशा, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू रोज सजे बने बरी पहने.
क्यों नहीं, जरूर पहननी चाहिए। वो आपके जेस के कपड़े भी बड़े अच्छे हैं, बल्कि वो जो आपने लेन देन वाले कपड़े दिए थे वो तो बहुत ही अच्छे डिजाइन हुए हैं। तो किस डिजाइनर से बनाए थे? मैं तो कहती हूँ जब सियालकोट जाऊंगी ना तो लोगों को पसंद आने सबने पूछना है कि हु वाज द डिजाइनर। बस वो है एक डिजाइनर हमारा। कौन सा? वो जो दुपट्टे का काम हुआ है? हाँ हाँ वही वाले। वो तो फिरोजा भाभी ने बनाया है। घर पे बनाए थे? हाँ, फिरोजा भाभी बड़ा अच्छा काम करता है, घर पे अड्डा का काम लगा हुआ है ना। आवाज नहीं आ रहा मामी जान, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि वो ऐसी बस उसको शौक है ना, कापियां कर लेती है कढ़ाइयों की। तो इशारा क्यों कर रहे? तो भूख लगी, जा जा कुछ खा के आ, उठ जा। कुछ बनाया हुआ है? जा जा। हाँ, तुम देख लो ना। ये मेरी बहू जो है ना, उसको बड़ी भूख लग जाती है वक्त बे वक्त। अम्मा, इंसान कुछ तो ख्याल कर लेता है। मुझे मेरी सास के सामने इतनी शर्मिंदगी हुई है। मुझे पता है पागल है, बिल्कुल बेवकूफ। अम्मा तो आप उसे समझाएं ना। क्या क्या समझाऊं हैं? क्या क्या समझाऊं, मैं तो खप गई। कम से कम आप उसे ये समझा दें कि मेरे ससुराल वालों के सामने चुप रहा करे, ना वो कुछ बोले ना मैं शर्मिंदा हूँ। तो क्या तेरी सास ने कोई ताने शाने दिए तुझे? नहीं, मुझे ताना तो नहीं दिया। चल शुक्र कर ताना नहीं दिया। तो और क्या कह रही थी? हाँ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि सियालकोट जाके खानदान वालों के सामने जोड़ों का जिक्र मत करना, खामखा किसी को पता चल गया तो क्या? अब अम्मा कुछ नहीं, बस आप शाइस्ता को समझा दें कि वो अपना मुंह बंद रखा। मेरे बस की बात नहीं है, तू मुझे छोड़ दे, मैं नहीं कह सकती कुछ। वो समझाए ना जो बहुत चाह से लेकर आए हैं अपनी भांजी को। अब्बा जी तो कभी उसे कुछ नहीं कहें, वो यासमीन फूफो से डरते हैं। आप ऐसा करें, अब्बास भाई को बोलें कि वो उसे समझाए। हाँ कहती हूँ अब्बास को, उसको अकल सिखाए। अकल सीखने से आती तो क्या ही बात थी अम्मा, बस वो चुप ही रहे यही काफी है हमारे लिए। अच्छा ना, कहती हूँ करती हूँ कुछ, फिक्र ना कर। तू मुझे ये बता के तू कब निकलेगी सियालकोट के लिए? अम्मा कल सुबह निकल रहे हैं। अच्छा चल जा, खैर से जा, और ना कूड़ा कर, ठीक हो जाएगा सब, ना परेशान हुआ कर, मैं करती हूँ बात। आप भी अपना ख्याल रखो, खुदा हाफिज़। लड़की है, दिमाग खराब है इसका। अब्बास जमा मीना फता दा, खबर तोला दुनिया दा, जमता उड़े दे। यार तुम इतनी डफर हो या तुम जान के करती हो? क्या अहमक, लोग अपना बीवी को ब्यूटीफुल कहता, डार्लिंग कहता, आप मेरे को अहमक कह रहा? तो तुम क्यों ऐसी हरकतें करती हो? मैंने क्या किया? क्या किया क्या? तुमने आयशा की सास को क्यों बताया कि ये कपड़े घर में बने? तो घर में ही तो बने थे। तो उनको बताने की क्या जरूरत थी? मैंने तो बता दिया। तो वही तो पूछ रहा हूँ, अम्मी ने तुम्हें मना भी किया था बताने को, क्यों बताई? मेरे को मना नहीं किया था, आयशा को किया था। यार तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, क्या हो, क्या चीज क्या हो? मेरे को पता है आप मेरे को ये सब क्यों कह रहे हैं। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं पठान हूँ। तुम एक मेहरबानी करो, अपना मुंह बंद रखा करो, ना तुम बोलोगी ना किसी को शिकायत का मौका मिलेगा। मैं बोलूंगा नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। और अगर बोलोगी तो हम सबको कुछ हो जाएगा। मैं आपको इतना प्यार करता और आप मेरे को। मेरी बात सुनो, एक मेहरबानी करो, तुम सिर्फ अपना मुंह बंद रखो बस। मैं मुंह बंद रखेगा तो बोलेगा कैसे? For God's sake यार, अब मेरे से तंग आ गया ना। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया, क्या अजाब झेल रहा हूं मैं? अब मेरे को अजाब कह रहा हूं? अम्मा।
और पागल अहमक तो वो खुद है जो तेरी कदर ही नहीं पहचान सका। अम्मा या मेरी कोई कदर नहीं करता, सब मेरे को बेइज्जत करता, वो मेरे को मालूम है क्यों करता। क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि मैं पठान हूँ। अच्छा, करती हूँ मैं इनका बंदोबस्त। क्या बंदोबस्त? भेजती हूँ तेरे भरा को, वो आके इन्हें बताएगा कि क्या होता है पठान। कप्तान भाई, वो फातह से आ गया। अरे वो आने वाला है ना, आता है तो उसे कहती हूँ कि जरा तेरे ससुराल का चक्कर लगाए। उन्होंने अभी पठान की बेटी देखी है। पठान का पूत नहीं। क्या होता है पठान का पूत? घड़ी में औलिया, घड़ी में भूत। बड़ा मजा आएगा। हाँ, लेकिन तू अभी किसी को बताना ना। क्या कि मजा आएगा? अरे नहीं अहमक, कप्तान आएगा। अम्मा तुम भी मेरे को अहमक बोलो। ओ नहीं नहीं मेरी थी, मैं तो तुझे समझा रही थी कि हर बात ना बता दिया कर उनको, मुंह बंद रखना भी सीख। कुछ सीख ही लेती तू भी। अपनी माँ पे जरा नहीं गई, निरी अपने प्यो पे गई। किधर रह गई हैं लड़कियां? मामा वैसे आपने वादा किया था हनीमून के लिए लंदन जाएंगे, पेरिस जाएंगे और जाकर हैं सियालकोट। ओ मेरे बेसब्रे एल्डर सन, क्या हो गया? भेज दूंगी तुझे, वेट कर जरा। लड़की ले आए बल्ले से और जाते पेरिस। जी अम्मी चले। ये मैंने जो जोड़ा दिया था वो पहना तूने? जी वही है। वो नहीं है, ये डिजाइनर का जोड़ा लेके आई थी, इतना महंगा, और देखो क्या किया है, बेस्ती करा के दम लेगी ना मेरा। इतना एक्सपेंसिव जोड़ा था वो डिजाइनर का, और ज्वेलरी तो ये रखने के लिए दिया है, पहनने के लिए दिया है। हाँ किधर है ज्वेलरी? आदत नहीं है भारी ज्वेलरी पहनने। अच्छा, भारी ज्वेलरी पहनने की आदत नहीं है, बड़े बड़े घरों में रहने के शौक है तो ये है। बेस्ती का बिल्कुल सामान लेके जा रही हूँ साथ। ओ भाई अब चलो, रास्ते में फलक भी इंतजार कर रहा होगा, इससे तो बेस्ती कर रही। ओ उतार देना मुझे गाड़ी में, वहां जाके दे दूंगी। दावतनामा चाहिए होता है इनको हर जगह के लिए। चलो बैठो। मैं ख्वाब की दुनिया में और ये ख्याल की दुनिया में कितने खुश। न ख्वाब पूरा न ख्याल, बिल्कुल अधूरे मेरी जिंदगी की तरह। पता नहीं सच की खुशी किस और में छुपी है। अगर तुम भी साथ चलती तो कितना अच्छा होता ना, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवा देता। तुम्हें पता तो है कराची में सारा शूट लाइन अप है, लंदन में जरूर चलना। वैसे क्या क्या के मिलवाते थे फैमिली से? तुम्हारी तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि तुम एक ड्रामा स्टार हो, हीरोइन हो,
सब तुम्हें जानते हैं। और क्या मतलब, और क्या कहते हैं? और यही कहता कि मुझे इस फिल्म में हीरो साइन करवाने में तुम्हारा हाथ है। और तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। और क्या मतलब, कुछ और भी तो कह सकते हो तारुफ में। शैला, और यही कहता कि अगर तुम ना होती ना तो मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकती। जल्दी चलो, फ्लाइट का टाइम है। बाबूजी आपसे एक काम है। वो एक लड़का है लाहौर में, हम एक साथ ही स्ट्रगल कर रहे थे। आपकी वजह से मुझे तो काम मिल गया, मगर उस बेचारे को। क्या चाहिए? काम बाबूजी, जो फिल्म मैं करने जा रही हूँ, अगर उसमें मेरे साथ उसे हीरो ले लिया जाए तो। शूटिंग से खबर आई है क्या? जी बहूजी, मगर अच्छी नहीं है। यानी के रांझा बन गया बहुत नो। बाबूजी, मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। मायरे दिन का मिला के घर को बना